दो दिवसीय चाईबासा दौरे पर आए मरांडी ने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठित रणनीति पर विचार विमर्श किया। भाजपा जिला कार्यालय में मरांडी ने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए। मीडिया से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था का हाल बदहाल है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और बिजली पानी के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री खुद अपने नाम से खनन पट्टा ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को लेकर 21 से 30 तारीख के बीच राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आंदोलन किया जाएगा। स्थिति भयावह है, सरकार को कोई चिंता नहीं है, तो पार्टी ने तय किया है कि इन सारे मुद्दों को लेकर के और राज्य के मुख्यमंत्री खुद ही, बाकी राज्य की जो संपदा लुटा तो रहे हैं लेकिन खुद भी लूटने में लगे हुए, अपने नाम से खनन पट्टा भी लिए हुए। कानूनन तो बिल्कुल वो गलत है। हम लोगों ने तो राज्यपाल को भी मिल करके ज्ञापन सौंपा है और हमने कहा कि भाई इनको हटानी चाहिए मुख्यमंत्री पद से, इनको रिजाइन देनी चाहिए। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के 21 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम होगा। राज्य सरकार के कामकाज का कटाक्ष करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार काम नहीं कर रही है, कमाने में लगी हुई है। अगर दो वर्षों में देखें तो कहीं कोई काम हुआ ही नहीं है, कहीं कुछ काम हुआ ही नहीं है और वह कमाने की नीयत से अब लोगों को अपनी जमीन और जायदाद भी सुरक्षित नहीं है। सरकार काम नहीं कर रही है, कमाने में लगी हुई है। अगर दो वर्षों में आप देखें ना कहीं सड़क का कोई काम हुआ, ना कहीं कुछ काम हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। हाँ, कमाने में ज़रूर लगे, वो जितने भी खनिज संपदा है, चाहे बालू हो, कोयला हो, पत्थर हो, लोहा हो, सब लुटा रहे। यहाँ तक कि इस सारंडा के जंगल में भी यहाँ किस प्रकार से लूट है वो किसी से छुपा हुआ नहीं, हमसे तो अधिक आप लोग जानते हैं। आए दिन सोशल मीडिया में भी या मीडिया में भी सब दिखता है और आप तो हालत यहाँ तक आ गई कि किसी के घर भी कहीं कोई खुला छोड़ दिया और कहीं कोई बाहर चले गए काम करने, नौकरी करने, तो पता चला कि उसके घर के, उसके जमीन जायदाद भी लोग कब्जा कर रहे हैं, दखल कर रहे हैं। मुखर संवाद के लिए चाईबासा से ब्यूरो रिपोर्ट। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद। आपत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से। अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगलाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।